1866 में आज ही के दिन टोक्यो जापान युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में शामिल भारतीय न्यायाधीश राधा विनोद पाल का जन्म हुआ था। राधा विनोद ने बाकी न्यायाधीशों के साथ यह दावा करते हुए असहमति जताई कि जापान के युद्ध के वक्त के नेता दोषी नहीं थे। राधा विनोद ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ली और इसी विश्वविद्यालय में 1923 से 1936 तक अध्यापक रहे। 1941 में उन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के विरुद्ध टोक्यो ट्रायल्स नामक मुकदमा शुरू किया, तब उन्हें इसमें न्यायाधीश बनाया गया। भारत और जापान के संबंधों में पाल के योगदान को आज भी याद किया जाता है। युद्ध अपराधों के मुकदमे के बाद उनको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुना गया, जहां उन्होंने 1952 से 1966 तक सेवा की। 1926 में आज ही के दिन स्कॉटिश वैज्ञानिक जे एल बेयर्ड ने लंदन में पहला टीवी पेश किया था। बेयर्ड की खोज तस्वीरें प्रसारित करने वाली एक मशीन थी, जिसे उन्होंने टेलीवाइजर का नाम दिया। इसमें घूमने वाली मैकेनिकल डिस्क लगी थी, जो बदलती हुई तस्वीरों को स्कैन कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक आवेगों में बदल सकती थी। यह जानकारी फिर तारों के जरिए स्क्रीन तक पहुंचती थी, जहां वह काफी कम रेजोल्यूशन वाले प्रकाश और छाया के खास पैटर्न जैसी दिखती थी। बेयर्ड ने अपने पहले टीवी प्रोग्राम में दो कठपुतलियों के सिर दिखाए थे। बेयर्ड का टेलीविजन सिस्टम जर्मन वैज्ञानिक पाउल निपकोव की रचना पर आधारित था। निपकोव के डिजाइन में घूमने वाली डिस्क में कई सुराख थे, जिनमें तस्वीरें स्कैन होती थी। बेयर्ड वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहचानी जा सकने वाली तस्वीरें पेश करने में सफलता हासिल की। बेयर्ड ने 1928 में पहला सफल ओवरसीज प्रसारण भी किया। 1945 में आज ही के दिन रेड आर्मी ने दक्षिण पश्चिम पोलैंड में नाजियों के सबसे बड़े प्रताड़ना आश्वित शिविर को मुक्त कराया था। इस शिविर में पोलैंड के हजारों लोगों और कई दूसरे यूरोपीय देशों के यहूदियों को काफी बुरी परिस्थितियों में बंदी बनाकर रखा गया था। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जर्मन गार्डों को कुछ दिन पहले ही आदेश दिया गया था कि वे वहां से गैस चैम्बर और अंतिम संस्कार करने वाली जगह को नष्ट कर दें। हजारों ऐसे कैदी जो चल सकते थे, उन्हें जेल से निकालकर जर्मनी के दूसरे शिविरों में ले जाया गया। 1944 में हंगरी के ऐसे 400,000 यहूदियों का ब्यौरा मिला, जिन्हें पोलैंड भेजा गया और उनमें से कई आश्विट्ज शिविर पहुंच गए। यह शिविर 1940 में बना था और तब से कुछ ही कैदी वहां से भागने में कामयाब हो पाए। रेड आर्मी जब शिविर पहुंची तो उन्हें वहां कुछ ही बंदी मिले और वे इतने बीमार थे कि शिविर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। 1967 में आज ही के दिन चांद पर मानवीय अभियान के सिलसिले में केप कैनेडी में रिहर्सल के दौरान अपोलो अंतरिक्ष यान में आग लग गई थी, जिसमें 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि जहां ऑक्सीजन और कुछ अन्य सामग्री रखी थी, वहां पर बिजली की चिंगारी से आग लगी थी। अंतरिक्ष यान के जिस हिस्से में ऑक्सीजन वाला वातावरण था, वहां आग तेजी से फैली और कुछ ही सेकंड के अंदर चालक दल के सदस्य मारे गए। इस हादसे में फ्लाइट कमांडर गस ग्रिसम, एडवर्ड व्हाइट और रोजर शेफे की मौत हो गई थी। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर शेफे पहले कभी अंतरिक्ष में नहीं गए थे। वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ग्रिसम 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी थे, जबकि वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल व्हाइट अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अमेरिकी थे।